Lakers and Orlando. Go. ये ट्रांसफार्म की वजह से लगी है जी, ये फॉल्ट आ गया इसमें ट्रांसफार्म में, उसकी वजह से जी। क्या हुआ है? ये तार की वजह से जी, उसकी वजह से लगी है। लगा लो जी 25-30 लाख का माल था ये मेरा जी, यहाँ कम से कम 300-350 किले की लगी हुई थी गांठे जी, उसकी वजह से पार्किंग कर गई उसकी वजह से जी। बंदा भी था यहाँ, बस वो खाना खाने गया था उधर, उसके बाद ही होया। जैसे हम आए उस टाइम देखे इसमें आग लगी। किसने सूचना दी आपको? वहाँ से हमने देखे जी, फार्म में ही बैठे थे हम जी, तो हमने इधर ध्यान किया, हम आग लगी हुई है उसी टाइम, फिर हम इधर आ गए। क्या नाम? सुरेश मलिक। तो प्रशासन से इस तरह की? प्रशासन से मांग यही है जी, अगर होता हो तो मेरा 25-30 लाख का नुकसान हो गया जी, अगर कोई हेल्प कर सके तो देख लेना जी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई थी? हाँ जी, हाँ जी, फायर ब्रिगेड की आ गई थी। कितनी गाड़ी आई हुई है? वो 2 गाड़ी आई हैं। तो आग को काबू कर लिया गया है? हाँ जी, बस जो थोड़ा ही बहुत बचा है, बाकी तो देखो जल गया, नीचे लगी हुई आग इसमें, ये तो बुझेगी नहीं जी। अब टोटल कितनी जमीन में? टोटल ये 350 किले की थी जी। कितने रुपये की टोटल? ये 25 लाख लगा के चलो कम से कम। अब देखो बाद में पता लगेगा, सही तो कंडा करवाते जी, अब तो क्या, अब तो मोटा मोटा आइडिया ही लगा सके जी। तो आपकी थी यार? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ अपने फार्म की गुरुद्वारा वाली जमीन की बुनाई थी जैसे जी, कुछ और जमींदार भाइयों की बुनाई है, किसानों की नज़दीक लगे थे जो आसपास। क्या बनाई हुई थी? ये गांठे बनाई हुई थी जी, जैसे सरकार बिल्डर भी देती है जी, भाई थोड़ी हेल्प करो, आग ना लगाओ पराली में, इसीलिए उसके लिए बनाई हुई थी गांठे।
क्या नाम बाबा? सुरेश मलिक जी। सर मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है अमेठी रोहतक यूनिवर्सिटी के पास, यहाँ पे मैं सिक्योरिटी के पद पे यहाँ पे नौकरी करता हूँ। तो मेरी ड्यूटी टाइम है 2 बजे से लेके 10 बजे तक। तो सर मैं 2 बजे यहाँ पे ड्यूटी पे आया, तो आके थोड़ा सा मैं अपने जैसे रोज़ की तरह यहाँ पे रूट की तरह देख लेता हूँ मैं आसपास। तो फिर मैंने बाहर देखा कि यहाँ पे आग लगी हुई है, तो मैंने तुरंत 112 पे कॉल किया और फिर फायर ब्रिगेड भी मैंने मंगवाई। ये करीबन 2:10 पे ये मैंने सब कुछ देखा जी, और मैंने फ़ोन कर दिया था 112 नंबर पे। फायर ब्रिगेड टाइम पे पहुँच गई? हाँ बिल्कुल सर, वो 10 मिनट में पहुँच गई थी, लेकिन पुलिस वाले 5 मिनट में पहुँच गए थे जी मेरे पास। तो कितना नुकसान लगभग लग रहा आपको? कितना सर उस टाइम पे? तो मेरे को ये था कि थोड़ा बहुत कवरेज में आ जाएगा, बच जाएगा थोड़ा सा, लेकिन काम पहले एक गाड़ी आई, उसके बाद वो खाली करके फिर चली गई, उसके बाद 2 गाड़ियाँ और आई। फिर नुकसान हुआ तकरीबन पराली में आग लगने का क्या? ये तकरीबन जो नुकसान जो इतना माल इकट्ठा हुआ था उसमें से 10-15% ही बचा है। तो ये ठेकेदार ने जो माल इकट्ठा बना के यहाँ इकट्ठा